पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में हम कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं और उससे आगे के टर्म्स की तरफ बढ़ते हुए आज बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में। और उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में भी सबसे पहले जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो उनके राजनीतिक जीवन से संबंधित। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजनीतिक जीवन से। तो आपने देखा होगा कि पूर्व वैदिक काल में जो आर्यों का समूह होता था वो जन या कबीलों में विभाजित होता था। तो जैसे 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 समय बीतता गया और उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं तो जो जन हैं वो जनपदों में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। जन का जो जन या कबीले होते थे वो काय में परिवर्तित हो गए, जनपद में परिवर्तित हो गए। और यहीं पर हमें यानी उत्तर वैदिक काल में ही हमें सबसे पहले राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पूर्व वैदिक काल में आपने पढ़ा था, देखिए दोनों का अगर आप कनेक्शन बनाते चलेंगे तो जल्दी बेटर समझ में आएगा। पूर्व वैदिक काल से यहाँ पर कनेक्शन बनाते चलेंगे, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में क्या था और क्या कहते हैं उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से परिवर्तन हुए उससे कंपेयर करते चलेंगे इस चीज़ को। आपने देखा होगा पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था दो संस्थाओं का, सभा एवं समिति। राजा पर सभा एवं समिति का नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो राजा पर सभा एवं समिति का जो है नियंत्रण समाप्त हो जाता है। सभा एवं समिति का राजा पर नियंत्रण समाप्त तो हो जाता है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सभा एवं समिति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम ऐसा मान सकते हैं कि सभा एवं समिति का नियंत्रण राजा पर से समाप्त हुआ तो राजा के जो अधिकार क्षेत्र था, राजा का अधिकार था, वो वहाँ पर बढ़ गया। राजा के अधिकारों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। और जो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था मानी जाती है विदथ, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था विदथ मानी जाती है, तो उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हमें पता चलता है कि विदथ जो संस्था थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ये संस्था जो है समाप्त हो जाती है, सभा एवं समिति पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन सभा एवं समिति का राजा पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, ठीक है। और राजा के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि हो जाती है। जब राजा के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि हुई तो उसे देश के विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। तो एक डायग्राम के द्वारा उसे समझते हैं कि जो उत्तर दिशा होती थी, उत्तर दिशा में राजा को विराट कहा जाता था, पूर्व दिशा में सम्राट कहा जाता था, दक्षिण दिशा में उसको भोज कहा जाता था और पश्चिम दिशा में उसको स्वराट कहा जाता था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज के नाम से जाना जाता था। वहीं मध्य देश में उसे राजा के नाम से ही जो है संबोधित किया जाता था। ये हो गए राजा के नाम। अब राज्याभिषेक की प्रथाओं के बारे में बात करते हैं। तो राज्याभिषेक तो पूर्व वैदिक काल में भी प्रचलित था, राज्याभिषेक किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है राज्याभिषेक में एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो राजा का राज्याभिषेक किया जाता था वो राजसूय यज्ञ द्वारा किया जाता था। यानी राज्याभिषेक करने के लिए एक यज्ञ किया जाता था जिसे राजसूय यज्ञ कहते थे, और इस राजसूय यज्ञ का जो है वर्णन शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो 17 प्रकार के जलों से उसके राज्याभिषेक को किया जाता था, ठीक है। और इसी अवसर पर राजा जो होता था वो रत्निनों को भेंट या उपहार देता था। रत्निन जो होते थे प्रमुख कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। रत्निन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ये प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा जो रत्निनों का उल्लेख देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा इसी काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजा का नाम जो है विषमत्ता भी पड़ गया, विषमत्ता इसका नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि ये विष नामक समुदाय से, जिसे हम वैश्य कहते हैं, वैश्य नामक समुदाय से क्या लेता था, कर लेता था। हालांकि पूर्व वैदिक काल के बारे में बात करें तो पूर्व वैदिक काल में किसी भी कर प्रचलन के बारे में पता नहीं चलता। हालांकि एक कर बलि के बारे में वहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन वो राजा के द्वारा नहीं लिया जाता था। वो जो प्रजा होती थी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से राजा को अपनी स्वेच्छा से प्रसन्न होकर भेंट स्वरूप जो है, उपहार स्वरूप जो है, बलि नामक कर को देते थे, लेकिन राजा अपनी स्वेच्छा से प्रजा को बाध्य नहीं करता था किसी भी कर को देने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल में आपको ये देखने को मिलता है कि राजा के द्वारा एक कर भी लिया जाता था, और केवल एक वैश्य वर्ग ही ऐसा वर्ग था जो कर देता था, बाकी किसी भी समुदाय से कर नहीं लिया जाता था। और जब वैश्य से अगर वो राजा कर लेता था तो इसीलिए राजा का नाम विषमत्ता पड़ गया था इस काल में। अब कुछ अन्य यज्ञों के बारे में भी यहाँ पर जो है उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे अश्वमेघ यज्ञ है। अश्वमेघ यज्ञ जो किया जाता था वो राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, यानी कोई भी राजा होता था वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था, ठीक है, उसके
गले में एक पट्टा बांध करके राजा घोड़े को छोड़ देता था, और जो भी उस घोड़े को रोकता था उसे उस राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। और जिस जगह से राजा का जो घोड़ा था वो निकल जाता था, वो ऐसा माना जाता था कि वो क्षेत्र राजा के आधिपत्य में आ गया। तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का भी जो है उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा एक वाजपेय यज्ञ का उल्लेख भी देखने को मिलता है। वाजपेय यज्ञ को एक रथ दौड़ के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार की रथ दौड़ के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो राजा का रथ होता था वो सबसे आगे होता था। राजा द्वारा प्रजा से कर लिया जाता था, वो किस रूप में लिया जाता था, उसे बलि, शुल्क या भाग कहते थे। राजा जो प्रजा से कर लेता था, टैक्स लेता था, उसे क्या कहते थे, बलि, शुल्क या भाग। मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व वैदिक काल में बलि का जो है नाम देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर जो बलि जो नाम था वो किस अर्थ में दिया गया है कि प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से राजा को उपहार स्वरूप जो कुछ दिया जाता था उसे बलि कहते थे। वहाँ पर राजा प्रजा को बाध्य नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर राजा ने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था, वो भी सिर्फ एक विशेष वर्ग से, वैश्य वर्ग से, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग शब्दावली के बारे में बात करें तो कर तो लेना स्टार्ट कर ही दिया था, जो कर वसूलता था अधिकारी, जो राजा का जो अधिकारी होता था जो टैक्स को वसूलता था प्रजा से, उसे कहते थे बागदुध, भाग दुध। और इसके अलावा जो टैक्स संग्रहित किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, पूरा धन जो है जिस व्यक्ति के अंडर में इकट्ठा रहता था, जो कोषाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष को उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था संग्रहिता, संग्रहिता। और यहाँ मैं आपको पूर्व में पहले ही बता चुका हूँ कि केवल वैश्य वर्ग ही ऐसा वर्ग था जो कर देता था, और वो कर कितना देता था, उसकी जो लिमिट क्या थी, 1/16 भाग, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। राजा ही सर्वोच्च न्याय का अधिकारी हो गया। आपने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था राजा क्या होता था, राजा पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था। राजा हालांकि न्याय का केंद्र बिंदु राजा ही हुआ करता था पूर्व वैदिक काल में भी, लेकिन वो जो राज न्याय करता था उसमें किसकी सहायता लेता था, पुरोहितों की सहायता लेता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो राजा ही इसका जो है पूर्ण सर्वोच्च अधिकारी बन गया था, राजा ही न्याय का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी बन गया था। अपराध सिद्धि के लिए दो तरीकों का प्रचलन था, जैसे जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा, ठीक है। जल में समाधि लेना या फिर अग्नि पर चलना, ये सभी परीक्षाएं देनी पड़ती थी जो भी अपराध का दोषी पाया जाता था उसे। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, ऐसा उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। वैदिक काल में ये बताया गया कि ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्थायी सेना पूर्व वैदिक काल में भी नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में भी राजा की स्थायी सेना का प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। स्थायी सेना उत्तर वैदिक काल में भी नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर भी वही थी, युद्ध के समय पर जब भी जो नागरिक होते थे, प्रजा होते थे, उन्हीं से एक तुरंत एक सेना गठित कर ली जाती थी। लेकिन इसमें एक प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है कि जैसे भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती थी या युद्ध के कंडीशंस पैदा होती थी, तो राजा अपने सभी भाई बंधुओं के साथ में एक ही थाली में खाना खाता था। और ऐसा इसलिए माना जाता था, ऐसा उनकी सोच थी उस समय पर, कि अगर हम इस तरीके से कार्य करेंगे या हम एक ही थाली में खाना खाएंगे या मैं अपने भाई बंधुओं के साथ खाना खाऊंगा तो मुझे युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। तो विजय प्राप्ति की कामना के लिए, विजय प्राप्ति की कामना के लिए राजा जो होता था सभी बंधुओं के साथ में एक ही थाली में खाना खाता था। ये हो गया इसके राजनीतिक जीवन के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन में जो है वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है उत्तर वैदिक काल में आके। हालांकि वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये पूरी तरह से समाज में प्रचलन में नहीं आई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन पूरी तरह से जो है स्थापित हो जाता है। इसके साथ साथ यज्ञ अनुष्ठानों में वृद्धि हो गई। यज्ञ वज्ञ के कार्य जितने भी थे उनमें वृद्धि हुई, और इस वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ा कि पुरोहितों के जो वर्चस्व में वृद्धि होने लगती है। यज्ञ अनुष्ठान में वृद्धि से ब्राह्मण शक्ति का उदय होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो भी यज्ञ संपादित किया जाता था उसमें 7 पुरोहितों को लिया जाता था। जो भी यज्ञ संपादित कराते थे उसमें जो पुरोहितों का समूह होता था उनकी संख्या 7 होती थी, और यही बढ़कर के उत्तर वैदिक काल में 17 हो गई संख्या। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्राह्मणों की शक्ति का जो है उदय होता है। यहाँ ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहित होते थे किसी भी यज्ञ को संपादित कराने में, और वहीं उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या हो जाती है 17। क्षत्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानी जाती है। क्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानी गई है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं जो समाज के 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, वैश्य एवं शूद्र, ठीक है। क्षत्रियों को राजन्य भी कहा जाता था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र जो 4 वर्ग थे समाज के, उनको यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो क्षत्रियों की कंडीशन जो थी वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थी, ठीक है।
क्योंकि क्षत्रिय अगर चाहते थे तो किसी भी पुरोहित को हटा सकते थे, किसी भी ब्राह्मण को हटा सकते थे, इसलिए उनकी जो है कंडीशन, उनकी जो पावर थी वो ब्राह्मणों से ज़्यादा थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन होता गया, पुरोहितों की संख्या में वृद्धि होती है, पुरोहितों की शक्ति में वृद्धि होती है, लेकिन उनकी शक्ति फिर भी क्षत्रियों से कम थी। तो क्षत्रियों की स्थिति जो है ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानी गई है और ऐसा माना गया है शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि केवल वैश्य या विश्व वर्ग ही जो था वो कर देता था, इसीलिए इसको एक अन्य नाम पड़ गया था, अनस्य बलिकृत। अन्यस्य बलिकृत, केवल वैश्य वर्ग ही जो है राजा को कर देता था, और इसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है। ये कर देने के कारण ही इस वैश्य वर्ग का नाम अनस्य बलिकृत पड़ जाता है। शूद्रों की दशा के बारे में बात करें तो शूद्रों की दशा निम्न मानी गई है। शूद्रों की कंडीशन जो है खराब थी उत्तर वैदिक काल में। इनका कार्य ही था अन्य वर्गों की सेवा करना, अन्य वर्गों की सेवा करना। शूद्रों को एक तीन विशेष नामों से यहाँ पे पुकारा गया है उत्तर वैदिक संस्कृति में। शूद्रों को अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है, कामोत्थाप्य कहा गया है, इसके अलावा यथा कामवध्य कहा गया है। इनका अर्थ क्या है? अन्यस्य प्रेष्य का मतलब है अन्य जो तीन वर्ण हैं, चार वर्णों के बारे में पता चलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो शूद्रों का कार्य क्या था? ये जो शब्द लिखा हुआ है अन्यस्य प्रेष्य, इसका अर्थ क्या है? जो अन्य तीन वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य, शूद्र को उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करने वाला माना गया है, यानी अन्यस्य प्रेष्य, अन्यस्य दूसरों की सेवा करने वाला। तो शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करने वाला माना गया है। कामोत्थाप्य, इसको कभी भी उखाड़ करके फेंका जा सकता है, इसकी वजूद को कभी भी मिटाया जा सकता है। यथा कामवध्य, यथा कामवध्य, इनका वध भी किया जा सकता है। इतनी इनकी कंडीशन ख़राब थी कि इन तीन नामों से आप समझ सकते हैं कि इनको ऐसा माना जाता था इनका जन्म ही अन्य तीन वर्णों की सेवा करने के लिए हुआ है। इनके कार्य को कभी भी ख़त्म किया जा सकता था। इसके साथ साथ अगर इन्हें कोई व्यक्ति मार भी दे, वध भी कर दे, तो वो दोषी नहीं है, ठीक है। ये वध करने योग्य भी माने गए हैं। हालांकि ये चीज़ें गलत थीं, लेकिन जो कंडीशन है वो उस समय की वो आपको बताई जा रही है कि शूद्रों की दशा का अंदाज़ा आप इन तीन शब्दों से लगा सकते हैं कि इनको अन्यस्य प्रेष्य, दूसरों की सेवा करने वाला, कभी भी उखाड़ फेंका जा सकने वाला, और इसके साथ साथ वध करने योग्य भी माना गया है, ठीक है। अगर परिवार स्तर पर बात करें, फैमिली स्तर पर बात करें, तो परिवार स्तर पर जो पिता का अधिकार था वो लगातार बढ़ता चला गया था, ठीक है। राज परिवारों की बात करें तो राज परिवारों में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन बढ़ता जो है प्रबल होता चला जाता है। ज्येष्ठाधिकार मतलब राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था, उसे ही जो है राजा के बाद में शासक बनाया जाता था, राजा बनाया जाता था, ठीक है। तो परिवार स्तर पर पिता का अधिकार बढ़ता गया, और राज परिवार स्तरों की बात करें तो वहाँ पर ज्येष्ठाधिकार का जो प्रचलन है वो प्रबल होता चला जाता है। स्त्रियों की दशा के बारे में बात करते हैं, स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो स्त्रियों की दशा में गिरावट प्रतीत होती है। आपने पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में पढ़ा, वहाँ पर जो है स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की अपेक्षा ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं, तो स्त्रियों की दशा में जो है गिरावट देखने को मिलती है। कैसे? कि पुत्री समस्त दुखों का कारण, पुत्री समस्त दुखों का कारण, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। देखिए, इसके लिए कुछ प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो वेदों में, उपनिषदों में और ब्राह्मणों में जो कहा गया है, वही चीज़ों के आधार पर इन चीज़ों के अनुमान इतिहासकारों ने लगाए हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है, तो इससे आप स्त्रियों की दशा के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। स्त्री को तीन प्रमुख बुराइयों में से एक माना गया है, यानी जुआ खेलना, शराब पीना, और तीसरा स्त्री, इनको जो है तीन प्रमुख बुराइयों में रखा जाता था। और ऐसा जो है कहा गया है मैत्रायणी संस्था में, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को तीन प्रमुख बुराइयों में से एक माना गया है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से स्त्रियों की जो है कंडीशन यहाँ पर गिर चुकी थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में भी कुछ विशेष विदुषी महिलाओं का जो है नाम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, स्त्री को अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नया प्रचलन स्टार्ट हो जाता है जो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में नहीं था। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे, केवल संपत्ति का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ पैदा हो जाती है, वो ये है कि स्त्रियों का बाल विवाह होना प्रारंभ हो जाता है, स्त्रियों का बाल विवाह होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। गोत्र प्रथा का प्रचलन, गोत्र प्रथा के प्रचलन के बारे में बात करें तो गोत्र से बाहर विवाह का प्रचलन जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है,
आज भी हमारे समाज में जो हिंदू धर्म में जो विवाह आदि होते हैं उसमें अपने गोत्र में जो है व्यक्ति विवाह नहीं करता है, अपने गोत्र से बाहर जाकर के विवाह करता है। तो ये जो प्रथा चली थी ये उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले प्रकट होती है। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र प्रथा जो है सर्वप्रथम देखने को मिलती है। यहाँ गोत्र से बाहर विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया। अपने गोत्र में जो विवाह होते हुआ करते थे पूर्व वैदिक काल में, अपने गोत्र में भी विवाह हो जाते थे, वो जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसी की दृष्टि से। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था के विषय में। तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले तीन आश्रमों के बारे में पता चलता है। हालांकि बहुत सी चीज़ों से ये देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में चारों आश्रमों के बारे में जानकारी नहीं थी, केवल तीन आश्रमों के बारे में पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का अंत होता जाता है तो वहाँ पर चारों आश्रम जो है देखने को मिल जाते हैं। जबालो उपनिषद में सबसे पहले चार आश्रमों के बारे में पता चलता है। इसमें से गृहस्थ आश्रम जो है ये सर्वोच्च माना जाता था। तो उस समय की अगर देखी जाए तो एवरेज आयु जो मानी जाती थी लगभग 100 वर्ष, और 100 वर्ष के आधार पर जीवन को चार आश्रमों में बांटा जाता था। तो सबसे पहला आश्रम होता था आपका ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास। इस तरीके से चार आश्रमों में जीवन को बाँट दिया जाता था। तो वन बाई वन चर्चा करते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था उसकी आयु होती थी 25 वर्ष तक। ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु होती थी 25 वर्ष तक, और इसका जो प्रारंभ होता था वो होता था व्यक्ति के उपनयन संस्कार से। यानी जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार कराया जाता था वहीं से ब्रह्मचर्य आश्रम की जो है प्रारंभ हो जाता था। उपनयन संस्कार के बारे में भी मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ। उपनयन संस्कार तब कराया जाता था जब बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम या गुरुकुल में भेजा जाता था, तो वहाँ होता था उपनयन संस्कार, और उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचर्य आश्रम जो है प्रारंभ हो जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? यहाँ पर व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास की वृद्धि करता था, ज्ञान प्राप्त एवं शिक्षा प्राप्त करता था। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या उद्देश्य था? बौद्धिक विकास करना, ज्ञान एवं शिक्षा प्राप्त करना। यहीं पर कुछ विशेष शब्दावलियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे नैष्ठिक किसे कहा जाता था? नैष्ठिक किसे कहा जाता था? वह व्यक्ति जो जीवन भर शिक्षा प्राप्त करता था, जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करता था। ब्रह्मचारी रह करके जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नैष्ठिक कहा जाता था। उपकरवाण किसे कहा जाता था? जो व्यक्ति एक निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करता था उसे उपकरवाण कहा जाता था। वहीं स्त्रियों के विषय में भी कुछ शब्द देखने को मिलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित, शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित। तो ब्रह्मवादिनी एक वर्ड आता है, ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था? ऐसी कन्याएं जो आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करती थी, आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। वहीं कुछ ऐसी कन्याएं जो एक निश्चित अवधि तक यानी कि उनके विवाह के समय तक शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें साध्योवधु कहा जाता था। साध्योवधु किन्हें कहा जाता था? ऐसी कन्याएं जो अपने विवाह के समय तक शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें साध्योवधु कहा जाता था। ठीक है, विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करना। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। ये माना जाता है 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक, 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु तक जो है गृहस्थ आश्रम को वर्गीकृत किया गया है। और गृहस्थ आश्रम के बारे में बात करें तो यह सबसे सर्वोच्च आश्रम माना जाता है, सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर जो प्रमुख तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं कि गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या होता था किसी भी व्यक्ति के लिए, कि उसे तीन प्रकार के ऋणों से मुक्ति प्राप्त करनी होती थी, त्रिऋण मुक्ति, इसके अलावा उन्हें पंच महायज्ञ करने होते थे, और त्रिवर्ग। ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, त्रिऋण, पंच महायज्ञ और त्रिवर्ग। इन तीनों चीज़ों को गृहस्थ आश्रम में ही देखा जाता था। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि त्रिऋण मुक्ति का अर्थ क्या है। त्रिऋण में तीन ऋण होते थे, तीन ऋण होते थे। कौन कौन से ऋण होते थे? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण का अर्थ क्या होता था? ऋषि ऋण का अर्थ क्या होता था? शिक्षा प्राप्त करना ऋषियों से। पितृ ऋण का अर्थ क्या होता था? अपने समान ही क्या करना, एक पुत्र उत्पन्न करना। ठीक है, ये पितरों का ऋण होता था।
पुत्र या संतान की प्राप्ति पितृऋण के अंतर्गत आती थी। देवऋण का अर्थ होता था यज्ञ अनुष्ठान आदि करना। तो ये तीन प्रकार के जो है ऋण, ऋणों से मुक्त होना पड़ता था गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति को। इसके अलावा उन्हें पंच महायज्ञ करने पड़ते थे गृहस्थ आश्रम में। कौन कौन से? पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और पाँचवा मनुष्य या नर यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ क्या होता था? वेदों का अध्ययन करना अनिवार्य था। देव यज्ञ का अर्थ क्या होता था? देवताओं का पूजन करना अनिवार्य था। पितृयज्ञ का अर्थ क्या होता था? पितरों की शांति। जैसे आज भी हमारे समाज में प्रचलन है, पितरों की शांति के लिए हम अपने पितरों की शांति के लिए क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो पितृयज्ञ होता था, पितृयज्ञ का अर्थ यही था कि पितरों की शांति के लिए श्राद्ध आदि कार्य करना। भूत यज्ञ, भूत प्रेतों की शांति के लिए, भूत प्रेतों से बचने के लिए भूत यज्ञ करना भी अनिवार्य था। इसके अलावा मनुष्य या नृयज्ञ। मनुष्य या नृयज्ञ का अर्थ क्या था? कि व्यक्ति को अपने जीवन में अतिथियों की सेवा करनी है। जब तक वह गृहस्थ आश्रम में है और तब तक उसके घर के अंदर कोई भी अतिथि आता है, कोई भी गेस्ट आता है, तो उनकी सेवा करना उनका परम धर्म है। तो ये हो गया आपका मनुष्य नृयज्ञ। तो त्रिऋण मुक्ति से आपको यहां पे देख लिया, तृण ऋण मुक्ति, इनसे भी मुक्त होना पड़ता था गृहस्थ आश्रम में। पंच महायज्ञ करने पड़ते थे। इसके अलावा त्रिवर्ग का नाम भी देखने को मिलता है। त्रिवर्ग का अर्थ है धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति। धर्म यानी ज्ञान की प्राप्ति, अर्थ यानी कि धन प्राप्ति, काम यानी जो है अपने पुत्र प्राप्ति या फिर परिवार का जो है संचालन करना। तीसरा आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ है वन को प्रस्थान करना या वन को गमन करना, और ये आता था 50 से 75 वर्ष के आयु के मध्य में। यानी जब आपका गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाता था, उसके बाद में आपका वानप्रस्थ शुरू होता था। आपने सबसे पहले क्या किया? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। और उसके बाद में आपका विवाह हो गया, तो आप गृहस्थ जीवन में पड़ गए। 20-25 साल आपने गृहस्थ जीवन गुजारा, अपने सभी ऋणों से मुक्ति की, पंच महायज्ञ किए, ठीक है, और त्रिवर्ग के संबंध में आपने जितनी भी प्रावधान दे रखे हैं उनका पालन किया। उनको पालन करने के बाद में आप गृहस्थ जीवन से मुक्त हो गए, आपके बच्चे बड़े हो गए। अब क्या करना है? आपको वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय आपको कहाँ जाना होता था? वन में जाना होता था, जंगलों में जाना होना था। और वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य था, वो क्या था? कि भौतिक जीवन से मुक्ति, भौतिक जीवन से मुक्ति, अपने आसपास के जीवन से मुक्ति का साधन माना जाता था वानप्रस्थ जीवन को। इसके बाद में जो चौथा और सबसे अंतिम आश्रम माना जाता है, सन्यास आश्रम। वानप्रस्थ के बाद में आपको सन्यास आश्रम जो कि होता था 75 से और अपनी आयु की पूर्ण तक, जब तक आपके जीवन का अंत नहीं हो जाता तब तक आप सन्यास आश्रम में ही रहेंगे, ठीक है। तो सन्यास का अर्थ है पूर्ण त्याग, पूरी तरह से त्याग, यानी बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना, जिसे हम मोक्ष के नाम से जानते हैं। तो सन्यास आश्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। तो सन्यास आश्रम में प्रवेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? मोक्ष प्राप्ति करना। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा उत्तर वैदिक काल के राजनैतिक और सामाजिक जीवन के बारे में, और कल इसका लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, और इसके साथ साथ चर्चा करेंगे उनके आर्थिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन आपने पूर्व वैदिक काल का पढ़ा, वहाँ पर उपासना की रीतियाँ क्या थी, किस तरीके से उपासना की जाती थी, किस तरीके से जो है प्रार्थना की जाती थी भगवान की, उनकी उपासना का उद्देश्य क्या था, वो धीरे 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 उत्तर वैदिक काल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उपासना की रीतियों एवं उपासना के उद्देश्यों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये बात करेंगे हम अगली क्लास में। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।